कल का बजट कैसा होगा, राहत वाला या आफत वाला? मोदी बटुआ भर देंगे या बजट कम कर देंगे? निर्मला जी, इनकम टैक्स में कितनी राहत देंगे? क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कुछ छूट मिलेगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या होगा? एटीसी की सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? होम लोन पर छूट की लिमिट बढ़ेगी या फिर वही रहेगी? किसानों को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा? बजट से हर किसी को उम्मीद रहती है, बजट समझ आए या ना आए देखते सभी हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। तो चलिए बजट का सस्पेंस खत्म कर देते हैं। मोदी सरकार का 11वां बजट, निर्मला सीतारमण का 7वां बजट किस डायरेक्शन में होगा हम आज ही बता देते हैं। अनुमान के आधार पर नहीं, संसद में पेश किए गए रिकॉर्ड्स को पूरा पढ़कर हमने ये रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। कैलेंडर चल रहा है 2024 का, चुनाव हुए हैं 2024 के, बजट आने वाला है 2024 का, मगर बात हो रही है 2047 की। नरेंद्र मोदी की नजर 23 साल आगे है। 2047, जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मोदी एक दो नहीं 30 साल की बात कर रहे हैं, वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मोदी 20 साल और केंद्र में बीजेपी की सरकार की भविष्यवाणी कर चुके हैं। मोदी का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन 2047 का है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 2024 का बजट अगले एक साल का लॉन्च पैड होगा। मोदी ने ऐसे 23 लॉन्च पैड के बारे में सोच रखा है। विरोधी दल के नेता कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है। फ्री राशन का डेटा दिखाकर वो कहते हैं कि देश में गरीबी है। शोरूम में लगे प्राइस टैग दिखाकर वो बताते हैं कि देश में महंगाई है। हाँ, बेरोजगारी है, देश में गरीबी भी है, महंगाई भी है, लेकिन ये उस अनुपात में नहीं है जैसा मोदी के विरोधी बताते हैं। समस्या है तो समाधान भी है, नई नौकरियां पैदा करने का प्लान भी है। संसद में सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज रखा है। इकोनॉमिक सर्वे की मोटी मोटी बातों से पता चलता है कि हिंदुस्तान की जेब में पैसा कितना है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, हम कितना बचाते हैं और हमारे आगे बढ़ने का चांस कितना है। इकोनॉमिक सर्वे के हेडलाइंस में ही आने वाले बजट की चाबी छिपी है। बजट की बात आगे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के हेडलाइंस भी आगे दिखाएंगे। सबसे पहले उस प्रोजेक्शन के बारे में बताते हैं जो मोदी ने सोचा है। इंडियन इकोनॉमी पिछले 30 साल में यानी 1990 के दशक से अब तक जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी है। रुपए के टर्म में बताएं तो पिछले 30 साल में प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी 35 गुना हो गई है। 1990 में प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी 6000 रुपए थी, 2023 में ये 2,12,000 रुपए हो गई है। डॉलर टर्म में भी भारत की प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी 7 गुना बढ़ गई है। 1990 में प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी $347 थी, 2023 में ये $2,500 हो गई है। इन दोनों ग्राफ से पता चलता है कि भारत का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जो लोग मोदी के 2047 वाले विजन का मजाक उड़ाते हैं वो भी देख लें। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय अभी 2 लाख रुपए है, यानी एक औसत भारतीय साल भर में 2 लाख रुपए कमाता है। 2047 में यह आमदनी 14,90,000 रुपए हो जाएगी। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, भारत को बस अपना करंट ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखना है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में यह ग्रोथ रेट मेंटेन करके रखा है। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। 2020 कोरोना वायरस से संक्रमण वाला साल रहा, उसके बाद 3 साल लगातार भारत ने जोरदार विकास किया है।
2021-22 में 9.7%, 2022-23 में 7% और 2023-24 में 8.2% का ग्रोथ। दुनिया के किसी भी देश से तुलना करके देखेंगे तो हिंदुस्तान के ग्रोथ को फेनोमेनल ही पाएंगे। अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.7% है, ब्रिटेन सिर्फ 0.5% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.7% है, जापान 0.9% की दर से विकास कर रहा है, जर्मनी की विकास दर 0.2% तक सिमट गई है, चीन 4.6% की दर से विकास कर रहा है, जबकि भारत में 8.2% की दर से विकास हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चाहे जितना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन चला लें, ब्रिटेन में चाहे जितनी बार सरकार बदल जाए, अब कुछ होने वाला नहीं है। चीन में भी ग्रोथ वाली गैस खत्म हो गई है, जबकि भारत कंसिस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में अगले साल 6.5% से 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, ये मिनिमम नंबर है, यानी इतना विकास तो होगा ही होगा। 3.94 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 8% के कंसिस्टेंट ग्रोथ से बढ़ती रही तो 23 साल में यानी 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ी होगी, यानी 1947 में भारत की इकोनॉमी आज के अमेरिका जितनी बड़ी होगी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में इस वक्त 3.2% बेरोजगारी है, यानी नौकरी के लिए तैयार 1000 नौजवानों में से 32 के पास काम नहीं है। सबको काम मिले इसके लिए जरूरी है कि देश में अगले एक साल में 78,50,000 नौकरियां पैदा की जाएं। सरकार कह रही है कि इनमें से ज्यादातर नौकरियां प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर को पैदा करनी होंगी। हिंदुस्तान के गांव देहात पिछड़े इलाकों की तस्वीर दिखाने वाले और हर वक्त नौकरी नौकरी रोजगार रोजगार चिल्लाने वाले विरोधी दल उस खतरे को नहीं देख रहे जो पश्चिमी देशों से आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का खतरा मोदी सरकार ने अच्छी तरह देख लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदुस्तान में भी आ रहा है और नौजवानों की नौकरियां खा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट किया है कि वो नौकरियां देने में इस बात का ख्याल रखें और सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए AI को तरजीह न दें। नौकरियों के बारे में एक और बात बहुत मार्के की है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रेजुएशन करने वाले 49% युवा काम करने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि उनमें कौशल की कमी है। उन्होंने डिग्री ले ली है लेकिन काम करने का हुनर उनके पास नहीं है। सरकार ने नौजवानों को नौकरी का एक हिंट भी दिया है। आने वाले दिनों में एग्रो प्रोसेसिंग और केयर इकोनॉमी में रोजगार के अधिक मौके बनेंगे और ये क्षेत्र नौकरियों के लिहाज से सुरक्षित भी होंगे। बजट सेशन के लिए सरकार ने एक टर्म दिया है, विकास की विचारधारा। मोदी कहते हैं, न लेफ्ट न राइट, हम विकास की विचारधारा वाले लोग हैं। विचार कैसे आगे आता है, नीतियों में विचार कैसे झलकता है, ये 522 पेज के आर्थिक सर्वे को पढ़ने से पता चल जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मांसाहार उत्पादन में शाकाहार की तुलना से 100 गुना अधिक भूमि और संसाधनों की जरूरत होती है, साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ज्यादा होता है। 1 किलो बीफ तैयार करने में 100 किलो इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 1 किलो मटन तैयार करने में 40 किलो इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 1 किलो चावल उगाने में केवल 5 किलो के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जबकि 1 किलो गेहूं उगाने में केवल 2 किलो के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अपनी विचारधारा आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बात सड़क पर ही की जाए। आर्थिक नीतियों से भी अपनी बात ज्यादा प्रभावी तरीके से कही जा सकती है। कल बजट आएगा, हमें उम्मीद है कि बजट में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे। बिहार के वैसे भी समग्र विकास के लिए हमने हवाई अड्डों के लिए, हमने हॉस्पिटल्स के लिए, IIT के लिए, हमने एम्स जैसी सुविधाओं के लिए, थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त संसाधनों की केंद्र सरकार से मांग की और हमें उम्मीद है कि ये मांगे हमारी पूरी होंगी। क्योंकि जब तक बिहार में बेरोजगारी, पलायन और गरीबी है तो विकसित राज्य के रूप में वो अग्रणी श्रेणी में नहीं आ सकता है। विपक्ष कहता है कि ये सरकार तो महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। सरकार कहती है कि आंकड़े देख लो, महंगाई तो घट रही है। 2022-23 में महंगाई दर 6.7% थी, 2023-24 में महंगाई दर घटकर 5.4% रही। हालांकि 5% से ऊपर महंगाई दर भी जनता को बेचैन कर देती है,
ये बेचैनी सरकार को भी समझ में आती है। विशेषकर खाने पीने की चीजों के दाम नियंत्रित रहें, इसका प्रयास बजट में दिखेगा। अब आपको बताते हैं सरकार की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब। सरकार की आमदनी का 63% हिस्सा टैक्स से आता है, 28% हिस्सा सरकार कर्ज से जुटाती है। आमदनी का 4% हिस्सा नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, 3% हिस्सा ब्याज और डिविडेंड से मिलता है, 2% हिस्सा अन्य स्रोतों से मिलता है। इसी साल पेश किए गए अंतरिम बजट के आंकड़ों को देखें तो इनकम टैक्स से सरकार 11,56,000 करोड़ रुपए कमाती है, जीएसटी लगाकर केंद्र सरकार 10,68,000 करोड़ रुपए जुटाती है, कॉरपोरेट टैक्स से सरकार को 10,43,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 3,19,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, कस्टम ड्यूटी से केंद्र सरकार को 2,31,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। केंद्र नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,17,000 करोड़ का है। बैंकों में जमा पैसे पर ब्याज और डिविडेंड से सरकार को 1,83,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। बैंकों और विदेशी संस्थानों से सरकार 16,85,000 करोड़ रुपए लेती है। इस तरह साल भर में केंद्र सरकार कुल 59,95,000 करोड़ रुपए जमा करती है, जिससे साल भर के खर्चे होते हैं। अब देखते हैं कि सरकार खर्च कहां करती है, टैक्स और कर्ज के पैसे कहां जाते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार का 40% पैसा तो सिर्फ राज्यों को देने में और कर्ज पर ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। राज्यों को 12,20,000 करोड़ का हिस्सा दिया जाता है। ब्याज चुकाने में सरकार 11,90,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। केंद्र की योजनाओं पर सरकार 10,85,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। राज्य और केंद्र की साझा योजनाओं पर 5,02,000 करोड़ खर्च होते हैं। सब्सिडी देने में 4,09,000 करोड़ रुपए चले जाते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर 2,38,000 करोड़ निकल जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर 1,59,000 करोड़ खर्च करती है। देशी विदेशी कर्ज एक सच्चाई है, इस सच्चाई को सरकार भी स्वीकारती है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में बताती भी है, कर्ज के ब्याज पर होने वाला खर्च दिखाती भी है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह को सत्ता की चाबी सौंपी तब देश पर 20,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2009 में जब मनमोहन सिंह ने दूसरी बार सत्ता संभाली तो सरकार का कर्ज बढ़कर 31,00,000 करोड़ हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो देश पर 55,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। इस तरह मनमोहन सरकार के 10 साल में कर्ज 175% बढ़ गया। 2019 में मोदी ने जब दूसरी बार सत्ता संभाली तो कर्ज बढ़कर 90,00,000 करोड़ हो गया था। 2024 में जब मोदी 3.0 सरकार बनी तो देश पर 161,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस तरह मोदी के 10 साल में कर्ज 192% बढ़ा है। बजट इसीलिए महत्वपूर्ण होता है, इससे देश की आर्थिक स्थिति का पूरा पूरा ब्यौरा मिल जाता है। कोई भी अच्छा विपक्ष इसे ध्यान से सुनता है, फिर सरकारी नीतियों की खामियां जनता को बताता है। बजट उतावलेपन की चीज नहीं है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता बजट पेश होने से पहले ही इस पर अपनी राय बना चुके हैं। बजट पेश होने के बाद विपक्ष क्या बोलेगा, इसका सैंपल आज ही देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ और ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज़मीनी हालात है उस ज़मीनी हालात से बिल्कुल परे है। क्या बजट में क्या अपेक्षा करते हूँ? मैं कुछ नहीं अपेक्षा करता। मैं इस सरकार से देश के हित में कुछ आएगा कुछ नहीं अपेक्षा करता। मोदी जी चाहे जितना भी भ्रम देश को भ्रमित करने की कोशिश करे लेकिन इन मुद्दों पर रोशनी डालने का काम इंडिया अलायंस और राहुल गांधी जी करते रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि सरकार किन किन योजनाओं पर कितना खर्च करती है। सड़क बनाने में कितना पैसा जाता है, सब्सिडी देने में कितना पैसा खर्च होता है, मनरेगा का बजट कितने का है और हर घर नल से जल पर मोदी कितना पैसा खर्च करते हैं।